हेलो स्टूडेंट हाई स्कूल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके फर्स्ट फ्लाइट के सारे एक्सट्रैक्ट चाहे वो प्रोज सेक्शन के हो, चाहे पोएट्री सेक्शन के हो, आपको पता है आपके एग्जाम में एक एक्सट्रैक्ट आएगा प्रोज सेक्शन से और एक आएगा पोएट्री सेक्शन से तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से डेफिनेटली दो एक्स्ट्राइट आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे ठीक है पहले, पहले प्रोज पे क्या लिखा है अ लेटर टू गॉड आपको फर्स्ट चैप्टर ठीक है तो इससे जो एक्सट्रैक्ट आता है वो यही आता है हमेशा तो क्या लिखा है देखिए द फॉलोइंग संडे लैं कैम ठीक है बिट इर्यर देन यूज टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम इट द पोस्टमैन हिम सेल्फ हु हैंडल द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन ठीक है इस पैसेज को अच्छे से रीड करना है इसके बाद जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं देखिए पहला क्वेश्चन आंसर आपके सामने क्या है हु हैड कम अपनी ठीक है देखिए मतलब मनी कलेक्ट करने का आइडिया किसको आया तो इसका करेक्ट आंसर हो गया स्टूडेंट तो पोस्टमैन को ठीक है लेंचो वॉज वेरी एंग्री टू सी द मनी लेंचो जो है पैसे देख के गुस्सा होता है कैसे पैसे देख के तो लेस मनी मतलब जितना एक्सेप्ट किया था डिमांड किया था है ना सौ पैसे तो सौ पैसे इसको नहीं मिले थे पचास पैसे मिले थे जिस वजह से वो क्या हुआ एंग्री हुआ इन हिज लेटर टू गॉड लेंचो आस्क फॉर तो कितना पैसे मांगा था लैंचो तो मांगा था हंड्रेड पैसोज ठीक है तो हंड्रेड पैसो आपको टिक कर देना है अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका पोयम सेक्शन से जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो ठीक है तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है द वे ऑफ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेम लॉक ट्री हैज गिवन माय हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रोड तो इसके जो क्वेश्चन आंसर आते हैं क्या आते हैं पहला क्वेश्चन है देखिए क्या क्वेश्चन है वाट इज माइंड मतलब पोइट का माइंड का स्टेट कैसा है तो पोइट के माइंड का स्टेट बेटा कैसा डिप्रेसिव है ठीक है आपको डिप्रेसिव पे टिक कर देना है क्रो को क्रिस ट्री पर था तो हेमलॉक ट्री ठीक है आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है अगला है वाट डिड क्रो स्नेक ऑफ द पोएट ऑन द पोट इसमें आपको क्या लिखना है डस्ट ऑफ नो क्या लिखना है ऑप्शन नंबर फोर आंसर आप चेक कर सकते हैं चलते अगले पोएम पे अगला पोयम आपका है स्टूडेंट फायर एंड आइस तो जो इसके क्वेश्चन आते पहले पोयम देखते हैं सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर सम से इन आइस फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद फेवर फायर ठीक है इसके जो क्वेश्चन आंसर आते पहला तो आता है इसके पोएट का नाम तो इसके जो पोएट का नाम था स्टूडेंट वो था रॉबर्ट ठीक है फ्रॉस्ट क्या था रॉबर्ट फ्रॉस्ट था अगला जो आपका इसकी क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये रहा पीपल थिंक दैट द विल इन ठीक है तो इसका हो जाएगा और ice, और ice, या तो आइस से पोएट दीन्स फायर का मतलब जो पोएट से है क्या है तो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस ठीक है अब चलते हैं अगले एक्सट्रेट पे अगला एक्सट्रेट आपका सेम चैप्टर से है बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो एनफ ऑफ एनफेड टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड वु इसका जो क्वेश्चन आंसर आता है पहला क्या लिखा है इन द एव लाइन्स वर्ट डज इट रेफर्स टू इट का मीन्स क्या है टू इस मीन्स अ वर्ड ठीक है अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द टू द पोएट आइस सिम्बुलाइज तो इसमें आपको क्या कर देना है हैटर्ड ठीक है ठीक है अगला क्वेश्चन क्या है अगला है द पोएट ऑफ द पोएम इसके जो पोएट है वो कौन है तो अभी अभी हमने आपको बताया रॉबर्ट फ्रॉस्ट तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट पर टिक कर देना है सेकेंड चैप्टर आपका है स्टूडेंट नेल्सन निल, निल, निल्स, मंडेला ठीक है तो इससे जो मेनली क्वेश्चन आंसर आते हैं क्या आता है पहला क्वेश्चन आपके सामने है हु इज सेइंग दिस लाइंस इस लाइंस को किसने कहा तो आंसर हो जाएगा नेल्सन मंडेला ठीक है अगला है वाट कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट लव ठीक है क्या हो जाएगा लव हो जाएगा वाट वॉज द ओकेशन कैसा ओकेशन था तो ओथ टेकिंग सेरेमनी था ठीक है कहां पे है आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड इस पर आपको टिक कर देना है अगला आपका जो एक्सट्रैक्ट है वो है किससे पोयम से अ टाइगर इन द जू देखिए हु इज ही इन द एवलाइंस एवोबलाइंस में ही का तात्पर्य क्या है ठीक है तो आपको इसका जो करेक्ट आंसर करना है वो है टाइगर किस पर टिक करना है स्टूडेंट टाइगर पर टिक करना है दिस पोयम इज रिटन बाय इस पोयम के राइटर कौन हैं ठीक है तो इसके राइटर हैं लेजिस्लाय नॉरिस ठीक है अगला इन द पोयम द एनिमल इज इन द ठीक है एनिमल कहाँ था तो आपको करना है जू आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट जू पर टिक करना है चलते अगले स्टेट पे सेम चैप्टर से है बट हिज लॉग इन अ कंसनट्रेट सेल हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ स्केज इग्नोरिंग विजिटर्स ठीक है इसमें पहला आंसर हो जाएगा आपका क्या लिखा है हेयर कंसनट्रेट सेल मीन्स क्या हो जाएगा जू हो जाएगा अगला क्या लिखा है टाइगर इज इग्नोरिंग द विजिटर्स एज ही इज एंग्री क्या हो जाएगा एंग्री हो जाएगा अगला क्वेश्चन है इन द एबलाइंस स्टॉकिंग मीन्स तो क्या हो जाएगा पेसिंग हो जाएगा अगला पैसेज जा आपके सामने है लेसन थर्ड से टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं पहला आता है आपके सामने वाट वाज द ग्रीन फोरिंग ठीक है इसमें आपको टिक करना है सी पर किस पर टिक करना है C पर तो अगला है वाट इज द फैमिली फिस्ट ऑन टू सेटोल फाइट तो इसमें आपको टिक करना है डॉग फिस्ट तो तो पर ठीक है ऑप्शन नंबर ए चलते हैं स्टूडेंट अगले पैसेज पे अगला पैसेज सेम चैप्टर से है ठीक है 2023 में आ चुका आप देख सकते हैं तो पहले का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे क्लियर सेकेंड का आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंग्लैंड और थर्ड का आंसर हो जाएगा ठीक है द ब्लैक एरोप्लेन द ब्लैक एरोप्लेन पे टिक कर देना है इसके बाद स्टूडेंट अगला आपके सामने जो चैप्टर है ठीक है उससे जो क्वेश्चन आते हैं पहला क्वेश्चन है हाउ कैन अ आइना बी रिकोगनाइज ठीक है हाइना को कैसे अपन पहचान सकते हैं तो बाय हिज स्माइल ठीक है बाय हिज स्माइल से पहचान सकते हैं अगला है विच ऑफ दीज एनिमल्स वीथिंग इट्स प्रे तो इस पर आपको टिक करना है क्रोकोडाइल ठीक है ऑप्शन नंबर फोर्थ पर टिक करना है आपको अगला क्वेश्चन आपके सामने है नेम द पोएट ऑफ पोएम इस पोएम के पोएट कौन है तो कार्योलाइन वेल्स ठीक है ऑप्शन नंबर ए पर आपको टिक कर देना है इस पर फोर्थ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने है पोएम फाइव द बॉल पोएम ठीक है इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो ये रहे आपके सामने पहला क्वेश्चन है व्हाट हैज हैपेंड टू द बॉय तो इसका आंसर हो जाएगा द बॉय वाज सैड क्या हो जाएगा द बॉय वाज सैड विच वर्ड मीन्स द सेम एज मेरली ठीक है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जोवियली अगला क्वेश्चन है द बॉय हैड लॉस्ट हिज वॉल इट इज इन द ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाटर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला प्रोज ये रहा इससे जो मेनली क्वेश्चन आंसर आती है तो पहला है लॉफ ऑफ द वॉल विल टीच द लिटिल बॉय इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ दिस ठीक है अगला आपके सामने है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज बॉल ठीक है ऑप्शन नंबर ए पर आपको टिक कर देना है अगला है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या बोला एंड नो वन बाइज अ बॉल तो यहाँ पे आपको टिक करना है एलिट्रेशन पे ठीक है अगला आपका जो एक्सट्रेट है वो है लेसन फोर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन एस फ्रैंक्स सो इससे जो क्वेश्चन आते हैं तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एन एस मैथ टीचर ठीक है सेकेंड का हो जाएगा टॉकिंग और थर्ड का हो जाएगा स्टूडेंट पोएट्री तो आई होप ये सारे पोयम के प्रोज और सारे एक्सट्रेट के प्रोज आप याद कर लिए होंगे ठीक है आप देख लिए होंगे अगला है आपके सामने ईमांडा ईमांडा से जो मेनली क्वेश्चन आते हैं तो पहला क्वेश्चन है देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने पहले का ये सेकेंड का बेयर थर्ड का हर मदर और ठीक है बस इतने ही हैं इसके बाद आपका जो अगला पैसेज है इसका आंसर ये रहे आपके सामने इसके बाद जो आपके सामने प्रोज आता है ग्लिम्स ऑफ इंडिया तो इसमें कौन कौन से प्रोज आते हैं तो पहले का आंसर हो जाएगा आपके सामने बेकिंग ठीक है सेकेंड का आंसर हो जाएगा जैक फुल और थर्ड का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आपके सामने पेंसिल ठीक है पेंसिल पर आपको टिक कर देना है इसके बाद जो आपका अगला प्रोज है ये रहा इसमें जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं ठीक है थीके? तो आप देख सकते हैं पहले का आंसर हो जाएगा ग्रीक या अरबिक सेकेंड का हो जाएगा आपके सामने एलेक्जेंडर्स आर्मी थर्ड का हो जाएगा मैंगलोर इसके बाद थर्ड आपके सामने प्रोज ये रहा तो इसमें पहले का आंसर हो जाएगा चाइना इसके बाद हो जाएगा राजवीर और हो जाएगा टी प्लांटेशन ठीक है इसके बाद पोयम नंबर सेवन तो पोइम नंबर सेवन से जो क्वेश्चन आता है इसके आंसर ये रहे पहले का हो जाएगा आपके सामने डेकोरेटिव प्लांट्स इसके बाद हो जाएगा ट्रीज इसके बाद हो जाएगा सन ठीक है इसके बाद अगला पैसेज आपके सामने ये रहा ये भी पोयम सेक्शन से है तो इसके जो क्वेश्चन आंसर आते हैं तो ये आते हैं आपके सामने पहले का आंसर द ट्रीज सेकेंड का स्माइल और थर्ड का ओक ट्री ठीक है इसके बाद अगला प्रोज आपके सामने ये रहा इससे जो मेनली क्वेश्चन आते हैं तो ये रहे पहले का आंसर आउटर दूसरे का स्केल ऑफ मर्ट तीसरे का अरब ठीक है इसके बाद अगला आपका पोयम है फॉग फॉग से जो मेनली क्वेश्चन आंसर आते हैं वो ये रहे ठीक है 2023 में आ चुका आप देख सकते हैं पहले का आंसर फॉग सेकंड का मूवसॉन और थर्ड का कार स्टैंडवे ठीक है ये आपको कर लेना है इसके बाद आपका अगला चैप्टर है लेसन सेवन इससे जो क्वेश्चन आंसर आते हैं वो ये रहे ठीक है थीके? इनको आप अच्छे से देख लीजिए पहले का कंडक्टर सेकंड का बस राइड तीसरे का कॉन्फिडेंट ठीक है इसके बाद बस इतने एक्स्ट्रेट आपको तैयार करने हैं डेफिनेटली उन्नीस फरवरी को जो आपके दो एक्स्ट्रेट आएंगे तो इन्हीं में से देखने को मिलेंगे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वेल आइकॉन प्रेस कर लें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम